नमस्कार जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यात्रा 200। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो भाई नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं भाई गोरखपुर से मतलब पास में पड़ता खलीलाबाद से दिल्ली, बट ये ब्लॉग बनेगा गोरखपुर से दिल्ली। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहा है। तो अभी जो है टाइम हो रहा है भाई 12:30 और सुबह हम पहुंच जाएंगे 11:30, मतलब उसको ऐड कर लो भाई 1 बजे तक हम लेटेस्ट पहुंच जाएंगे दोपहर के। तो कुछ इस तरह से अपनी जर्नी होने वाली है और खलीलाबाद में आप 35 किलोमीटर और ऐड कर लेना तो भाई गोरखपुर से दिल्ली का ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे जितने टोल वगैरह जो भी लगेगा सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। रास्ता लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये जाता भाई बस्ती अंदर। ये देखो पहले पुराना रास्ता यही था जब ये हाईवे नहीं बना था, और ये हम बार से अभी बस्ती से निकल जाएंगे और इस जगह को बोलते हैं कांटे से भाई लेफ्ट में जो रास्ता निकल जाएगा ये सीधा बस्ती अंदर होते हुए जाएगा। और भाई कांटे जब भी आप आते हो तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं तो काफी यहाँ पे केयरफुली होके गाड़ी चलाएं। अदरवाइज भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है भाई, तो यहाँ पे बच के गाड़ी चलाएं। बाकी आगे हम निकलते हैं अभी, और इधर से अगर हम जा रहे हैं भाई तो रास्ता हमें अभी तक तो ठीक मिला है। अभी हम ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर आ चुके हैं हाईवे पे और रास्ता काफी सही है। अभी इधर तो उतना मतलब गड्ढे वड्ढे तो अभी नहीं मिले भाई, आगे देखते हैं जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। आ गया है पहला टोल और ये पहला टोल पड़ता भाई बस्ती वाला टोल है। तो हमने भाई लगा दिया गाड़ी 35 किलोमीटर, उससे ऊपर ही, क्योंकि अगर आप घर से ऐड करोगे तो हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं 40 से 42। और ये आ गया पहला टोल, जो भी टोल कटा गया ऊपर डिस्प्ले हो रहा है आप देख लेना। और अभी तक की रोड कंडीशन की बात करें गाइस तो खलीलाबाद से की तरफ से या गोरखपुर की तरफ से आप जब बढ़ते हो लखनऊ की तरफ तो भाई रास्ता ठीक है, अच्छा है। और इस पे जो है गड्ढे वगैरह आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये रास्ता है सीमेंटेड, और सीमेंटेड रास्ते पे इस पे जो है गड्ढे वगैरह नहीं है। जैसा कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि आते हुए लखनऊ की तरफ से जब हम आ रहे थे तो इस साइड पे इस पे तो भाई बहुत गड्ढे हैं, एकदम खत्म ही हो चुका वो रास्ता, बट ये अभी ठीक मिला हमें 35 किलोमीटर तक। आगे जैसा भी है उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। लो जी दोस्तों, आ गया दूसरा टोल और अभी जो अपना डिस्टेंस बच रहा भाई 708 किलोमीटर, इसमें टाइम लगने वाला है 9 घंटा 41 मिनट। और बाकी रोड की बात करें गाइस तो बस्ती से इधर थोड़ा सा मिला भाई, चिप्पी लगाया गया है, पैचेज हैं इधर, बाकी वैसे ठीक ठाक है रोड। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी, और यहाँ तक पहुंचने में हमें टाइम लगा गाइस 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट में हमने लगाया है गाड़ी 110 किलोमीटर। ये देखो भाई अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर बन गया है, यहाँ की सड़कें वगैरह, और बीच में देख रहे हो पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं जैसा कि पहले भी मैंने दिखाया है। और अयोध्या भाई बहुत ही सुंदर लगता है, और आजू बाजू में होटल्स भी बहुत ज्यादा खुल गए हैं, ढाबा वगैरह है, खाने की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, हर तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे भी भाई जो डेबिट होगा टोल वो ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, और अभी अपना डिस्टेंस बच रहा है 631 किलोमीटर। बात करें गाइस अभी तक के रोड कंडीशन की तो बस्ती तक तो ठीक था, उसके बाद से तो भाई बहुत उबड़ खाबड़ है, काफी पैचेज हैं। और एक दो चीजें और बता दूं गाइस, बीच बीच में एक दो पुलिया टाइप पड़ेंगे छोटे, और जहाँ पे किसी भी रिफ्लेक्टर वगैरह की व्यवस्था नहीं है, और अचानक से रोड वहां पे नैरो हो चुका है पुल के पास, तो भाई अगर आप नाइट ड्राइविंग वगैरह, डे टाइम में तो खैर चलो ठीक है, नाइट ड्राइविंग वगैरह आप कर रहे हो तो थोड़ा सेफली ड्राइव करें। रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है, बीच में लेन मार्किंग नहीं है, कई कई जगह बहुत दूर दूर तक लेन मार्किंग भी गायब है, और सर्विस लेन अगर कहीं पे कट रहा है तो उसके लिए भी कोई आपको मतलब इस तरह से साइन बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा कि जहां से आप देख के ये पता लगा सको कि भाई यहां से कोई सर्विस लेन भी जा रही है लेफ्ट में या राइट में। तो ये सारी चीजें हैं, और कुछ कुछ एक दो जगह तीन जगह ऐसे पड़े जहाँ पे हाईवे पर काफी अच्छे खासे ब्रेकर्स हैं भाई, ब्रेकर लगे हुए हैं और ऊंचे ऊंचे, इन पे गाड़ी पूरी जंप कर जाएगी, जो कि भाई इस तरह से नहीं बनाना चाहिए हाईवे पे। हाईवे पे पतली वाली पट्टी होती है, स्ट्रिप टाइप होती है, और यहाँ पे भाई ब्रेकर्स बने और वो भी कंटिन्यूटी में है बहुत सारे,
तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ड्राइव करें तो बाकी सब ठीक रहेगा। अब इधर देखो आप लेन मार्किंग नहीं है यहाँ पे, आप लाइव देख लो, ये देखो कोई बीच में इधर रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है डिवाइडर पे, ठीक है। सामने से गाड़ी आ रही, उसकी लाइट सीधा आंखों में पड़ रही, जब कितना पुराना हाईवे है, बीच में इनको एंटी रिफ्लेक्टिंग ब्लेड्स वगैरह ही लगा देनी चाहिए थी, या कुछ पेड़ वगैरह लगा देते, काफी जगह है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं इस हाईवे पे, काफी दिक्कतें हैं भाई। दोस्तों आ गया है चौथा टोल, अभी टोटल बचा है 576 किलोमीटर। सो लो जी दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, लखनऊ में एंटर कर गए भाई। और 232 किलोमीटर आने में हमें एग्जैक्ट 3 घंटे लगे हैं, तो बहुत बढ़िया स्पीड हमने बनाया। और यही फायदा होता भाई नाइट ड्राइविंग का, अदरवाइज अभी हम ये डे टाइम में आते तो मान के चलो 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी लग जाते हैं, काफी बिजी रास्ता है। तो हमने सही खींचा गाड़ी और अभी 3:30 हो रहे हैं, और इसके बाद अब बस निकलते हैं सीधा एक्सप्रेसवे की तरफ, वहाँ हल्का सा थोड़ा सा पैर वैर सीधा करेंगे और फिर बढ़ जाएंगे दिल्ली की तरफ। लो जी दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, और लिखा आपका स्वागत है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हम लोग चाय वाय पीने लगे थे पीछे, तो अभी टाइम जो है हो रहा भाई 4:18। आगे निकल के थोड़ा सा हाईवे एक्सप्रेसवे पे जब पहुंचेंगे तो फिर थोड़ा सा शीशा वगैरह साफ करते हैं ताकि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिल सके, और फिर निकलेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं टोल पे, एंट्री टोल है भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का, और बस अब यहाँ से एंट्री करते हैं और फिर थोड़ा सा गाड़ी का शीशा वगैरह साफ करके फिर आगे बढ़ेंगे। गजब, और बाकी बहुत फास्ट है भाई यहाँ का फास्ट, ये जो है ना एंट्री बहुत फास्ट है भाई, जबरदस्त। और यही हम लगाते हैं गाड़ी साइड में, थोड़ा सा साफ सफाई करते हैं कहो। एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट की, तो स्पीड लिमिट है भाई इस पे 100 की, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और इस तरह से कुछ स्पीडोमीटर भी लगे भाई जो आपकी स्पीड को मेजर करते हैं, तो कई जगह ऐसे मिलते हैं और इनको अगर आप जंप करते हो हाई स्पीड में तो भाई 2000 का चलान है। बाकी रोड क्वालिटी तो यार कई बार ऑब्वियसली बता चुका हूँ भाई, जबरदस्त है, शानदार, मजा आ जाता भाई इस पे ड्राइव करके। और ये 3 लेन जाने का है, 3 आने का, 6 लेन है पूरा, और इसको 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। और टोटल लंबाई की बात करें तो 327 किलोमीटर का होगा इस लखनऊ से आगरा तक। फिलहाल हम इसी पे ड्राइव कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेहतरीन एक्सप्रेसवे भाई, बेहतरीन एक्सप्रेसवे। लो जी गाइस, तो हमने एक ब्रेक लिया भाई, और अभी टाइम हो रहा 5:12, और इस टोल यहाँ पे है भाई ये फूड किंग प्लाजा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, 2 स्टॉपेज मिलते हैं इस तरह के। तो हमने पहले वाले पे ले लिया स्टॉप, और थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होते हैं फिर निकलेंगे आगे। बाकी दोस्तों अभी सुबह हो रहा है, देख रहे हो मौसम भाई ताबड़तोड़, और आज देखते हैं बारिश मिलता है कि नहीं, क्योंकि भाई आज तक का रिकॉर्ड है जब भी हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं दिल्ली जाते टाइम या दिल्ली से घर जाते टाइम बारिश जरूर मिलती है। लेट्स सी आज मिलता है या नहीं, बारिश तो मिली नहीं गाइस, कीड़े दबा के मिल रहे हैं भाई, दबा के कीड़े,
अभी हमने विंडस्क्रीन साफ किया था, पूरा गंदा हो गया भाई पूरा, छोटे छोटे कीड़े हैं दबा के भरे पड़े भाई। आगे एक्सप्रेस वे देखो लाजवाब, तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड देख रहे हो, ये लिखा ना प्रयागराज चित्रकूट, ये आगे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है भाई, यहाँ से आप गाड़ी ले सकते हैं प्रयागराज और चित्रकूट के लिए लेफ्ट, ठीक है सीधा आप निकल जाओगे। ये देखो उस पे लिखा ना एक्सप्रेसवे का नाम, ये भी पढ़ गए तो जूम कर देता हूँ, ये देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है गाइस। तो यहां से आप जा सकते हैं चित्रकूट और प्रयागराज। दोस्तों जैसे भी जहां भी कट वगैरह आता है कहीं के लिए, जैसे यहां पे अभी आप देख रहे हो मैनपुरी सीधा दिखा रहा है आगे, मतलब आगे से लेफ्ट यहां से ये देखो ठीक है, और आगरा सीधा, तो इस तरह के कट पे भाई मस्त लाइटिंग की व्यवस्था है, ये देख सकते हो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कितनी सही लगी है यहाँ पे, और काफी चौड़ा बनाया गया स्पेसियस है, तो ये देख सकते हो आप बहुत ही बेजोड़ भाई, ताबड़तोड़ एक्सप्रेस वे है नो डाउट, जितनी तारीफ करो भाई इस एक्सप्रेसवे का उतना कम है, बहुत बहुत शानदार एक्सप्रेसवे। ये देखो लाइट, ये देखो भाई ओहो हो शानदार, और स्पीड लिमिट इस पे 100 की है, अभी अपना बचा भाई 91 किलोमीटर और एक्सप्रेसवे ये वाला। और एक चीज और बता दूं गाइस, आप देखो स्पीडोमीटर के बाद यहाँ पे इंटरसेप्टर भी लगा दिए गए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो रहे थे इस पे ओवर स्पीडिंग के चक्कर में, तो अब इंटरसेप्टर भी लगे हैं भाई, तो थोड़ा बच के आइएगा। और जैसे ही मैं लखनऊ से इधर के लिए चढ़ा हूँ, रास्ते में नहीं नहीं भी करके 5 से 6 इंटरसेप्टर दिखे हैं इस तरह से, तो अब आपका ओवर स्पीडिंग का चलान स्पीडोमीटर के अलावा इंटरसेप्टर के थ्रू भी होगा, इंटरसेप्टर के थ्रू भी होगा ठीक है, तो थोड़ा बच के चले। और ये इसका भी चलान वही है 2000। दोस्तों आगरा वाला टोल आ गया एग्जिट का भाई फाइनली, और अभी टाइम हो रहा 8:10। बाकी अब हम यहां से बढ़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर, और ये भाई वो वाला है कंक्रीट वाला, कहो ये कंक्रीट वाला एक्सप्रेसवे है, और इस पे भी स्पीड लिमिट 100 की है। इसमें हरियाली बहुत है दोनों साइड, आप देख सकते हो ना पेड़ वगैरह बहुत बढ़िया लगे हैं, हरियाली है काफी अच्छी, और सामने से अगर गाड़ी आती है अपोजिट लेन से तो रात में जो है लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं आता, सबसे अच्छी बात यह है। और काफी पुराना एक्सप्रेसवे है उस हिसाब से बहुत बढ़िया है अभी, और अभी अपना डिस्टेंस बच रहा भाई 194 किलोमीटर टोटल है घर तक, तो यमुना एक्सप्रेसवे से अपना घर करीब वही पड़ जाता भाई 30-32 किलोमीटर, ठीक है तो 160 या 170 किलोमीटर अब ये बचना है। जैसा कि आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड आ गया भाई, यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। ये देखो भाई जहां टूट फूट है इसमें उसका रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है, क्योंकि ये कंक्रीट वाला था गाइस, तो बीच बीच में मैंने देखा ये तारकोल वाला भी बनाया जा रहा है,
इस पे रिपेयरिंग का काम वगैरह चलता रहता भाई। और ये नहीं चिप्पी उप्पी रख दिया जाए, पूरा प्रॉपर तरीके से रोड बनाया जा रहा है बीच बीच में जहाँ भी उपड़ा वगैरह। तो ये काफी सही भाई, ऐसे काम करना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे वगैरह पे अगर आप चिप्पी रखते हो भाई बीच बीच में तो फिर और रिस्की हो जाता है। लो जी गाइस, एक और टोल आ गया, आई थिंक यही लास्ट है, कहो इसके बाद भी एक है शायद, शायद यही लास्ट है, चल जाएगा। ये है जेवर टोल प्लाजा, चलो दोस्तों सामने जो ये ओवर ब्रिज दिख रहा फ्लाईओवर वाला जो रास्ता जा रहा है, ये है भाई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसमें कनेक्टिविटी नहीं है क्या यहाँ से? ना यार, ईस्टर्न में इनको देना चाहिए यहाँ से कनेक्टिविटी, नहीं भाई यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं है, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो ऊपर है कनेक्टिविटी लेकिन नहीं है इससे। फाइनली ये जर्नी यही समाप्त होती है भाई, ऑलमोस्ट समाप्त ही है, तो बस 30 किलोमीटर अंदर सिटी का बचा है। तो भैया ये देख लो आ गया है, धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय है, यमुना एक्सप्रेसवे पे लिख दिया गया भाई। और जर्नी अपनी बहुत बढ़िया रही, बहुत शानदार। और अभी जो टाइम हो रहा है 10:45 हो रहा है, और अभी यहाँ से घर तक पहुँचने का टाइम है बस आधा घंटा हो, तो देख लो भाई 12:30 बजे चले थे और ऑलमोस्ट 11 बजे पहुंच जाएंगे घर। तो ये रही अपनी पूरी जर्नी, टोल वगैरह सब मैंने बताई दिया, बाकी रोड की आपने देख लिया कंडीशन क्या है, जाने आने के लिए एकदम परफेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं आपको। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे तगड़ा है भाई, जबरदस्त। और बाकी आपको लखनऊ से उधर थोड़ा सा भी यार दिक्कतें चल रही है, क्योंकि रोड अभी ना बहुत ज्यादा उखड़ पकड़ गया है। अभी फिलहाल आने वाला काफी हद तक सही था, तो ठीक था, काफी अच्छा लगा। बाकी इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, क्योंकि सिटी का आपको सबको पता है भाई, हमने एक्सप्रेस वे से फिर जिसको जहाँ जाना है चले जाओ, ये दिल्ली में एंटर कर गए आप। लो भाई, तो यहाँ तक अगर ब्लॉग आपने देख लिया तो भाई लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ऐसे ही नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।